पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों को बल्ले के बजाय दूसरे इंतखाबी निशानात दिए गए। किसी को बकरी, किसी को घड़ियाल का निशान अलॉट किया गया, कोई जूते ढोल, जबकि कोई चारपाई का हकदार ठहरा। थोड़ी देर के पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को चैनिक का निशान मिल गया। असद कैसर व्हीलचेयर, शहराम दरगाही फाख्ता के निशान पर मैदान में उतरेंगे। मेहरबानो कुरैशी चिमटे, हलीम आदिल शेख टेबल टेनिस बॉल और उमेर नियाजी दरवाजे के निशान पर इंतखाब लड़ेंगे। बल्ला तो ना मिला, पीटीआई के उम्मीदवारों को दूसरे इंतखाबी निशान अलॉट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से और मुख्तलिफ निशानात के साथ इंतखाबी मार्का लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बैरिस्टर गौहर अली खान को चैनिक, असद कैसर को व्हील चेयर का निशान अलॉट किया गया। डॉक्टर अमजद चैनिक, सुहेल सुल्तान बकरी और शहराम तरकई फाख्ता के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। शहरियार आफरीदी को बोतल और शेर अफजल मरवत को फिल्मेंगो का निशान मिल गया। मुल्तान में बैरिस्टर तैमूर और आमिर डोगर को क्लॉक का निशान मिल गया। जैन हुसैन कुरैशी को जूता और मेहरबानो कुरैशी को चिमटे का निशान अलॉट किया गया। जमशेद दस्ती को मुजफ्फरगढ़ में एक हल्के से हारमोनियम, दूसरे से हवाई जहाज का निशान अलॉट हुआ है। साहबजादा महबूब सुल्तान और शेख वकास अकरम को चारपाई का निशान दे दिया गया। कोट अब्बास से तलत महमूद जूते और खलील अहमद ढोल के निशान से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। मियांवाली के हल्के 90 से उमेर नियाजी दरवाजे के निशान के हकदार ठहरे हैं। रावलपिंडी में पीटीआई उम्मीदवार राशिद हफीज को स्लेट और राजा नासिर महफूज को डॉल्फिन का निशान अलॉट। कर्नल रिटायर्ड साबिर मलका के निशान पर इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। कराची में हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस बॉल, खुरम शेर जमान को ढोल और फहीम खान को बोतल का निशान अलॉट हुआ है। सैफुररहमान टॉवर, आलमगीर खान बेंगन, यासिर बलोच ढोल, दवा खान टेबल के इंतखाबी निशान के हकदार पाए हैं।